प्रश्नावली 7.3 के पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 के प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 और 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 3a-9/3। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, इक्वल टू 3a-9/3। यहां हम देख रहे हैं अंश में कुछ कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? 3। तो हम इसे गुणनखंड कर देंगे, अंश का गुणनखंड कर रहे हैं। तो ये कॉमन ले लिए हम लोग 3, तो यहां हो गया a-3, ये बच गया। आप देखिए फिर से गुणा करते हैं, 3 into 3 9 और by 3। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया a-3। अब प्रश्न संख्या 2, 14x-21y/2x-3y। फिर से हम पहले नंबर प्रश्न की तरह इसे लिखते हैं, 14x-21y/2x-3y। पुनः हम जो अंश है न्यूमरेटर, यहां से फिर देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। तो यहां हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा 2x-3y/2x-3y। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 2x-3y है, ये ऊपर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, यानी अंश में भी है, हर में भी है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा भागफल आ गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये है 121x² y² (2z-12) / 11xy (z-6). तो हम पहले ये जो भाज्य है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो आसान होगा। 121x² y² (2z-12) तो ये हो जाएगा 11 × 11 × x × x × y × y यहां से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, (2 × z-6). चलिए फिर से हम दिए गए व्यंजक को हम इस तरह से लिखते हैं, दिया गया व्यंजक या दिया गया प्रश्न जो भी कहेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 = 11 × 11 × x × x × y × y × 2 × z-6 और y 11xy × z-6। तो हम देख रहे हैं ये 11 कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, और ये z-6 ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच गया, 11 और यहाँ 2 है, 11 × 2 = 22, और यहाँ xy, तो यही हमारा आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 4, 144 mn × 2m-6 × 7n-28/12m-3 × n-4।
तो सबसे पहले ये जो हमारा भाज्य है इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 144 को हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं और यहाँ m इंटू n और 2m माइनस 6 से हम 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 2 इंटू m माइनस 3। उसी तरह से यहां हो गया 7 इंटू n माइनस 4। अब जो हमारा प्रश्न दिया गया था उसे फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब ये जो अंश था इसका जो हमने गुणनखंड किया था उसे हम लिखते हैं और जो हर में है वो तो है ही। तो हम देख रहे हैं ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, m माइनस 3 m माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये n माइनस 4 n माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे यहां क्या बच रहा है तो देख रहे हैं 12 इंटू 7 इंटू 2 या कहें 12 इंटू 2 इंटू 7, आप इसे गुना करें ये हो गया 168 और इसके बाद m n m n। तो ये दिए गए व्यंजक का हमारा भागफल आ गया। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का हल कीजिए। पहला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये जो पहला हमारा भाज्य दिया हुआ है इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां देख रहे हैं कॉमन ए आ गया तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर हम ये जो हमारा सर्वसमिका था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सर्वसमिका के अनुसार हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो ये आता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो हमारा भाजक है इसका भी गुणनखंड करते हैं तो यहां देख रहे हैं ए कॉमन है दोनों में तो ए हमारा बाहर आ गया तो यहां हो गया ए इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो दिया गया हमारा प्रश्न है प्रश्न तो ये क्या हो जाएगा बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस ए वाई। तो इसे अब हम जो हमने गुणनखंड किया था उसे लिखते हैं तो इसका इसकी जगह पर हम लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और उसी तरह से यहां हर में हम लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम देख रहे हैं कि ये a कैंसिल हो गया, ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया एक्स माइनस वाई। प्रश्न संख्या 2, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पुनः हम जो भाज्य दिया हुआ है इसका गुणनखंड करते हैं तो फिर हम इसी सर्वसमिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तो अभी हम इसका गुणनखंड करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा दिया गया प्रश्न इसलिए दिया गया प्रश्न ये हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पुनः हमने जो गुणनखंड किया है उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम ये जो भाज्य है इसे सरल कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा सर्वसमिका a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां इसे हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा पहले वाले इस सर्वसमिका जैसा आ गया है। तो फिर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस सी और a प्लस बी माइनस ए प्लस सी। तो हम देख रहे हैं यहां a प्लस बी प्लस ये ब्रैकेट हटा दिए हैं a प्लस सी, यहां भी हम ब्रैकेट हटाते हैं a प्लस बी माइनस, अब चूंकि यहां का ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये पहले माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह माइनस बदल जाएगा, तो यहां हो गया माइनस a माइनस सी। तो यहां देख रहे हैं a प्लस ए टू ए हो गया प्लस बी प्लस सी और ये हो गया, ये देख रहे ए और ये माइनस ए कैंसिल हो गया तो बच गया बी माइनस सी। अब हम दिए गए प्रश्न या दिया गया प्रश्न ये बराबर हो जाएगा हमारा, सीधे लिख रहे हैं जो दिया गया प्रश्न था, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी और ये बटा में हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी प्लस सी। तो देख रहे हैं ये हमारा ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया b माइनस सी। प्रश्न संख्या चार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस बी सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। तो पहले की तरह फिर से हम भाज्य को सरलतम रूप में लाएंगे, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। अब इसे हम पुनर्व्यवस्थित या व्यवस्थित या रीऑर्गेनाइज करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक ब्रैकेट में रखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हम रखते हैं ए सी एक्स प्लस बी सी। तो यहां हम देख रहे हैं एक्स कॉमन है तो ये बच जा रहा है ए एक्स प्लस बी और यहां हम देख रहे हैं सी कॉमन है तो यहां बच जा रहा है फिर से ए एक्स प्लस बी। अब इन दोनों भागों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, ए एक्स प्लस बी इंटू ये बच गया हमारा एक्स प्लस सी। तो जो हमारा दिया हुआ व्यंजक या दिया हुआ प्रश्न इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रश्न को ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी। देखिए जो प्रश्न हमारा था तो चूंकि भाज्य को हमने भाज्य का सरलतम रूप में इसे ला दिया है तो हम डायरेक्ट इसे लिख दे रहे हैं। तो अब यहां देखिए एक्स प्लस सी और एक्स प्लस सी ये कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया ए एक्स प्लस बी, यही हमारा आंसर आ गया।